नवसृजित पंचायत समिति में जोड़ने पर आपत्ति। झुंझुनू, किडवाना के लोगों ने सरपंच के माध्यम से किडवाना पंचायत को नवसृजित सिंघाना ग्राम पंचायत समिति में जोड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने हेतु झुंझुनू जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। विदित है कि ग्राम पंचायत के द्वारा नए परिसीमन के बाद नवसृजित सिंघाना पंचायत समिति में जोड़े जाने से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश पनप रहा है। कारण है कि किडवाना ग्राम पंचायत वर्तमान में सूरजगढ़ पंचायत समिति थी, जिसे अब सिंघाना पंचायत समिति में नवसृजित किया जा रहा है। किडवाना की सूरजगढ़ से दूरी महज 11 किलोमीटर है, वहीं सिंघाना की दूरी 25 किलोमीटर है। सरपंच गोरखराम बसेरा ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत को प्रशासन यथावत सूरजगढ़ पंचायत समिति के अधीन रखे या फिर चिड़ावस पंचायत समिति के अधीन रखा जाए, जो हमारे ग्राम पंचायत के नज़दीक पड़ती है, जबकि हमारी सभी मूलभूत सुविधाओं का केंद्र सूरजगढ़ और चिड़ावा पड़ता है। पुलिस थाना हो, चाहे पंचायत समिति दफ्तर या फिर जलदाय विभाग व विद्युत विभाग, सभी नज़दीक पड़ते हैं सूरजगढ़ और चिड़ावा। सिंघाना पंचायत समिति में जोड़ने से ग्राम पंचायत की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है, इस वजह से आक्रोशित हैं ग्रामवासी। ग्रामवासियों का कहना है कि हमें इसके लिए प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं, यदि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हमें मजबूरन आंदोलन या कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। झुंझुनू राजस्थान से संजय सोनी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हाँ जी बताओ, आज कैसे आए आप यहाँ? मैं सरपंच गोरखराम बसेरा ग्राम पंचायत की किडवाना। मेरी पंचायत के पहले सूरजगढ़ पंचायत समिति में थी, जिसकी दूरी पड़ती है 11 किलोमीटर, और अब नई प्रस्तावित जो पंचायत समिति सिंघाना बना रहे हैं उसमें हमें लगा दिया गया, तो इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि सिंघाना की दूरी हमसे 25 किलोमीटर दूर है, जबकि हमारे सभी पुराने जो SDM कार्यालय, तहसील, जलदाय विभाग या थाना, जो भी हमारे कार्यालय हैं वो सब सूरजगढ़ में है पहले से। तब वहाँ सिंघाना यदि हमें लगाया जाता है तो पूरी पंचायत के लोगों में आक्रोश है कि हमें सूरजगढ़ में ही रखा जाए। ये ज्ञापन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने SDM सूरजगढ़ एवं SDM वाणा, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं, और अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। यदि हमारी पंचायत को वहाँ नहीं रखा गया तो लोगों में काफ़ी आक्रोश होगा और आंदोलन भी होंगे, और इस चेतावनी भी देके जाएंगे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को इस बाबत। यदि आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगामी सुनवाई नहीं होती तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे बाद में, और तो क्या है, और तो कोई विकल्प हमारे पास नहीं। और जाम करेंगे या लोगों से विचार विमर्श करने के जो बाद जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे।